Seventh class, today I'm going to explain to you the topic to reflection of the light. First of all, filling the blanks hain. Rays of reflected from a mirror is called dash ray, is called a reflected ray. A line drawn at 90 degree to the mirror called dash, mirror called normal. क्वेश्चन थ्री है, लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ अ डैश सरफेस इज डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शन. लाइट जो कि रफ सरफेस पर पड़ती है तो वो ऑल डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाती है. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक रफ सरफेस है. इफ सरफेस पर जब लाइट रेज पड़ती हैं तो ये डिफ्यूज हो रही हैं ऑल डायरेक्शन में, ये फैल जाती हैं. ऑन द स्मूथ सर्फेस द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस. और अगर सर्फेस जो है वो स्मूथ होती है, लाइक दिस इन दिस डायग्राम यू कैन सी द सर्फेस इज़ वेरी स्मूथ, एंड जब जो है वो रे सर्फेस पर पड़ती है वो रे इंसिडेंट रे कहलाती है, और जब ये रे जो है इन पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है. इस तरह का रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जिसमें के रे ऑफ इंसिडेंट और रे रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो इक्वल होती है, तो इनके दोनों का जो एंगल होता है वो भी सेम होता है. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. और ये तभी होता है जब सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है. नंबर फाइव है, मैनी इमरजेंसी व्हीकल्स हैव वर्ड्स ऑन द फ्रंट डैश फ्रंट लिटरेरी इन्वर्टेड. क्वेश्चन वन है, व्हाट इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. द एंगल एट विच द इनकमिंग लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज सेम. जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, द एंगल एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर, यानी मिरर से लाइट रे टकराई है उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई है, तो इन दोनों का जो एंगल है यानी एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट के इक्वल होता है. द एंगल ऑफ द इंसिडेंट द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन. क्लास आपने फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन वन को अच्छे से याद करना है और नोटबुक पर लिखना है.